Hallelujah. 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 Hallelujah.
मैंने पतंगबाजी के बारे में सुना था लेकिन आज मैंने लड़कीबाजी के बारे में सुना है तो जोरदार तालियां बजाएं इससे हम इस पर बात करेंगे ये भी इसमें अंदर अच्छी आदत है ए ओदी सेहत तो तुसा मिल गया तो ये बड़ी अच्छी आदतें जो है ये सुने गौर से आप गौर से सुनना है बच्चों को अपने पास बिठाने और पूरे तवज्जो के साथ आपने खुदा के कलाम को जिसके अंदर भलाई है हमारी चंगाई है अच्छी आदतें खुदा के इरादा को बदल देती है बहुत सारे लोगों ने अपने हाथों को उठाया है जवाब भी दिया है ये बहुत अच्छी आदत है हम दसो गंदी आदत की देखी दे बुरी आदत अच्छी आदतों का जिक्र हो गया है हम बुरी आदत की देखी दे फिर तुम क्या लेते सामने बेच हाँ जी दसो बुरी आदतें हाथ ने चुके सारे बुरी आदतें आज शाम आज रात हम खुदा के मुकद्दस कलाम से सीखेंगे पाक रूह की हिदायत से के अच्छी आदतें अच्छी आदत ये खुदा के इरादे को क्या कर देती है बदलते बच्चे सीधा करो सीधा तू भी थोड़ा आगे आ जा एक नहीं लाने एक नहीं लाने सुनना अच्छी आदतें खुदा के इरादे को बदल देती है और आज अच्छी आदत ना होने की वजह से अच्छी आदत घरों में खानदानों में मां बाप में बहन भाइयों बेटे बेटियों में ना होने की वजह से ये घरों के अंदर इतनी इतनी बड़ी लड़ाइयां झगड़े नफरत हसद बढ़ रहा है परेशानियां बढ़ रही है उलझने उदासियां बीमारियां गिल्टियां रसौलियां बढ़ रही है आपने शुरू में कहा था कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि यीशु मेरे अरे हम बहुत खूबसूरत है हमें खुदा ने अपने हाथों से बड़ी खूबसूरती से बनाया गया और आप कह सकते हैं मैं बहुत कीमती हूं कहो आप भी कहें अगर हम कीमती है तो क्या बुरी आदतों की वजह से हम अच्छे और जो हम कीमती है खुदा ने अपने हाथों से बनाया क्या हम अपने बदन को अपनी आंखों को अपने दिल को जिगर को बेटे को गुर्दों को बर्बाद और तबाह कर दे हम बहुत कीमती है क्यों कीमती है क्योंकि खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह ने अपने कीमती खून से हमें खरीदा है हालेलुया यीशु के लहू के लिए सौदा कर दिया हम बहुत कीमती हैं यहां से पांच नौजवान या भाई यहां पर सामने आ जाओ पांच बहनें बेटियां हिम्मत करके जल्दी आओ मुझे 9:45 तक खत्म करना है शाबाश हिम्मत करो कुछ नहीं होगा हिम्मत करो पांच लोग आ जाओ सामने पांच लोग सामने देखो जो इतने क्या हो इतने क्या आप ही आओ ये आओ कोई भी खड़े आ जाओ आ गए शाबाश इतने आओ हाँ जी वो पांच हो गए हाँ जी जल्दी आओ शाबाश हिम्मत करो बच्चों कुछ नहीं होता ये चर्च है खुदा का घर है खुदा ने आपको बनाया और आप उसकी हजूरी में आए हैं चार हो गए एक और चलो जी मुबशर शान आप इन्हें ये बहुत पंजाबी चिक में कहा कड़कने नोट ने ये सब को जल्दी जल्दी दे दे जी इनको भी दे जल्दी जल्दी दे दे मुझे आज टाइम बहुत थोड़ा मिला है इसलिए हम जल्दी जल्दी सीखे हाँ जी वो तो जेब चीज पा रहे अच्छा अच्छा चले जी ठीक है हाँ जी पैनोस ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸਲੋ ਇਹ ਕੜਕ ਨੋਟ ਸਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਰ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਮੁਝੇ ਨਿਚੋੜ ਪਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ
ये असली नोट है नकली नहीं है हाँ जी नचोड़ लिया बस हूँ शाबाश ऐ नहीं कर सकते हाँ जी तुम भी ऐ नहीं कर सकते ऐ पहला नोट की हालत ऐ नहीं ऐसी हाँ जी फड़ो यार ऐसे ऐसी नोट की हालत एक कहता सी बिल्कुल प्लेन था और बिल्कुल साफ नोट था आप मुझे बताएं क्या इस नोट की कीमत जो है वो गिर गई है ये नोट जब हम लेकर जाएंगे दुकान पर तो हमें वो कोई चीज देगा है सीधी रहने ऐसे वो आप कुछ भी लेने जाएं तो ये दुकानदार इस नोट को लेगा आपको वो जो आप खरीदना चाहते हैं आपको देगा जी हाँ मेरी बेटियों मेरी बहनों मेरे बुजुर्गों इसको जितना मर्जी आप में छोड़ दे इसकी वैल्यू इसकी कीमत वो ही रहेगी ये 30 रुपए नहीं है ये 20 रुपए नहीं है ये 50 रुपए है आपको रिश्तेदारों ने आपकी बीवी ने आपके शोर ने आपकी बहनों ने आपके भाइयों ने आपको दुख दे देकर आपको परेशान कर करके आपको मुसीबतें कर करके ऐसा छोड़ दिया है लेकिन यीशु मसीह के वसीला से आपकी कीमत आपका रुतबा तो ही है कोई वैल्यू नहीं है अब मैं कुछ भी नहीं हूं अब मैं कुछ नहीं कर सकता मैं प्रस्तुति नहीं कर सकता मैं गीत नहीं गा सकता मैं चर्च की सफाई नहीं कर सकता मुझ पर ये इल्जाम लग गया है अब मैं कुछ नहीं कर सकता मैं घर में दुआ नहीं कर सकता मैं प्रस्तुति करने के लिए जाऊंगा मुझे लोग बातें करेंगे अरे वो कुछ भी कर ले आपकी हिम्मत को स्टॉप करना चाहे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के खून के वसीला से आपकी कीमत बहुत ज्यादा है आपकी इज्जत आपकी कदर बहुत ज्यादा है डॉक्टर आपकी कीमत आपका रुतबा आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है हालेलुया मुझे पता है कि यहां पर बहुत ज्यादा परेशान लोग आए होंगे कोई अपनी बीवी से कोई अपने शोहर से कोई अपने कारोबार से कोई अपनी नौकरी से कोई अपने पड़ोसी से कोई अपनी प्रोसन से कोई अपने दोस्त से कोई अपनी सहेली से उसने बहुत दुख उठाया है फरेब खाया है वो बहुत सारे मसलों के अंदर शिकार है लेकिन मेरी बेटियों मेरी बहनों आज के इस कलाम को जरा गौर से सुनना है तो अभी इसी वक्त बैठे बैठे आपकी अदालत जब खुदा देखेगा यही बैठे बैठे कि इस बेटे ने अपनी अदालत अच्छी कर ली है इस बेटे ने अच्छी कर ली है तो यही बैठे बैठे आपके कर्जे उतर जाएंगे आपकी कमजोरियां जाएगी आपकी गिल्तियां गायब हो जाएगी आपकी नसोनियां गायब हो जाएगी हालेलुया ये मेरे यीशु के अंदर कुदरत है आए जरा हम नैनवा के लोगों पर थोड़ा गौर करते हैं बड़ा अच्छा शहर था तजारती शहर था और लोग खुदा की फरमाबरदारी को छोड़कर अपनी अपनी खुशी के तालिब थे और वो यही चाहते थे कि हम अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं लेकिन उनकी हालत को देखते हैं यूना की किताब उसका पहला भाग उसकी दूसरी है लिखे के उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनाती कर क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है सब कहो आमीन ये बहुत दफा आपने पढ़ा और सुना है लेकिन हम चंद मिनटों के लिए इस पर गौर करेंगे कि खुदा ने अपने बंदा को यूना नबी को कहा कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा क्योंकि उनकी शरारत जो है वो मेरे हजूर पहुंची है आज भी बहुत सारे घरों की शरारत बहुत सारी जिंदगियों की शरारत बहुत सारे नौजवानों की शरारत बहुत सारी नौजवान बहनों बेटियों की शरारत
خدا کے حضور پہنچ گئی ہے اور خدا اپنے خادموں کو بھیج رہا ہے کہ جا جا کے اس خاندان کے پاس جا انہیں بتا انہیں سکھا لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے وہ خادموں کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جا پادی صاحب نے کہا ساڈے گھر وڈا ساڈے گھر وڈا جا انہیں بتا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے اور اے میری بیٹیوں میری بہنوں میرے بزرگوں یہ اقرار تو بڑا اچھا کرے ہمارے گھر میں کوئی نہیں تو وہ خادم بھی تو آپ کے گھر میں یسوع مسیح کو لے کر آیا ہے کہ آپ کے گھر سے لانتے نصیب سے پریشانیاں چڑھاتے جاتی رہے ہللویہ خدا نے کہا انہیں بچا ان کی شرارت آسمان پر پہنچ گئی ہے کہاں پر کس کی وجہ سے ان کی بری عادتوں کی وجہ سے ان کے برے منصوبوں کی وجہ سے ان کے برے خیالوں کی وجہ سے ان کی بری رنشوں کی وجہ سے ان کے برے چال چلن کی وجہ سے ان کی شرارت کہاں پر پہنچی ہے آسمان پر کون ہے آسمان پر میرا زندہ خدا ہے اور وہاں پر شرارت پہنچی ہے یوں نہ وہ خدا نے کہا جا ان لوگوں میں جا منادی کر اور خدا نے یوں نہ وہ کہاں بھیجا تھا نینوا کے محل میں نہیں نینوا کے کسی خاندان میں نہیں نینوا شہر کی گلیوں میں نینوا شہر کی گلیوں میں جہاں پر لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے تھے جہاں پر لوگ گند اور شرارت کی وجہ سے گند منصوبوں کی وجہ سے گلیوں کے اندر خدا کے خلاف خدا کے بغیر زندگی بسر کر رہے تھے اور خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے اپنے زندہ خدا کو پکارتے نہیں تھے اپنے زندہ خدا کی وفاداری نہیں کرتے تھے اور خدا نے کہا جا ان گلیوں میں جا اور گلیوں میں جا کر منادی کر کہ میں اس نینوا شہر کو 40 روز میں 40 روز کے بعد کیا کر دوں گا برباد کر دوں گا آج خاندان تو انہوں برباد نظر نہیں ہوتے ہوئے بکھنڈا ادھر کڑی کی شادی ہوں گی تریجے دن انہوں گھر جی ادھر واپس کر لیا کیا وجہ ہے برباد نہیں ہو رہی ہے کتنے لوگ خدا کی ادھوری کو چھوڑ کر خدا کے گھر کو چھوڑ کر دعا کرنا چھوڑ کر پرستش کرنا چھوڑ کر اور روحانی لوگوں کی رفاقت قربت چھوڑ کر بری گندی عادتوں میں چلے گئے ہیں وہ آپ کو دکھا نہیں دے رہے برباد ہو رہے ہیں ان کے پورے پورے خاندان برباد اور تباہ ہو رہے ہیں خدا نے نینوا کی گلیوں میں بھیجا کہ جا انہیں بتا وہ کیا اس نے منادی صرف یہ کی ہے کہ خدا نے 40 روز کے بعد نینوا کو کیا کر دینا ہے برباد کر دینا ہے یہاں کوئی بھی نہ بچے گا اور لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو ان کے اندر ہلچل مچ گئی اور اے خدا ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو ہمارے کاروبار کو ہمارے بچوں کو ہمارے خاندانوں کو ہمارے پڑوسیوں کو اور اے خدا برباد تباہ کرنے والے اور لوگوں نے کہا آؤ ہم روزہ رکھے انہوں نے روزے کی منادی کرنا شروع کر دی اس نے کہا کہ خدا اس علاقے کو 40 روز کے بعد شہر کو کیا کر دے گا لوگوں کے کانوں میں یہ جیسے آواز پہنچی تو انہوں نے کس کی منادی شروع کر دی وہ لوگوں نے کس کی منادی شروع کی تھی روزے کی انہوں نے کہا ارے خدا ہمارے بچوں کو ہمارے خاندانوں کو تباہ کرنے والا ہماری بری عادت اور شرارتوں کی وجہ سے آؤ ہم روزے میں ٹھہرے یہ بات یہ منادی پہنچتی پہنچتی گلیوں 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 خاندانوں اور یہ منادی کہاں پر پہنچ گئی شاباش بادشاہ کے محل میں
बादशाह के महल में जब पहुंची तो बादशाह ने जब सुना तो उसने क्या कर दिया, अपना शाही लिबास उन्हें चौक के उतर मारिया। अरे मैं अपने फैशन में लगाऊ, मैं अपने कमांड में लगाऊ, मैं खुदा के खिलाफ कर रहा हूं। उसने फौरन अपना शाही लिबास, अपना ताज उसने नंगा किया, फेंका और फिर उसने क्या ओढ़ लिया, ठाट। और उसने फिर मुनादी क्या कराई थी, देखें गली से मुनादी शुरू हुई है और गली से फिर गलियों तक गई, गलियों तक जब गई है तो फिर गलियों से होती होती हुई बादशाह के पास पहुंची है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, बादशाह ने अपना सोना उस लिबास को आज जो खुदा के खिलाफ, खुदा के बगैर ये बेदिल बहुत प्रस्त शहर था और वहां खुदा की कोई इबादत नहीं होती थी। आज भी घरों से खुदा की इबादत नहीं होती, इबादत हो रही है घरों में, दुआ हो रही है घरों में, जिंदगियों में दुआ हो रही है, नहीं। कलाम में लिखा अगर तुमने कोई मुसीबत है तो वो क्या करे, दुआ कराइए, दुआ करे। शाबाश, उच्ची साज दसो, दुआ कराइए, दुआ करे, दुआ करे। ये कौन सी आदत है? तो जो कहता मैं दुआ करानी है, यह कड़ी आदत है, यह कड़ी आदत है, यह कड़ी आदत है। अरे कलाम के खिलाफ चल रहे हैं, खुदा का कलाम कहते हैं अगर तुमने कोई मुसीबत है वो दुआ करे, दुआ कराए नहीं बल्कि वो दुआ करे। इस सच्ची आदत को कोई अपनाते ही नहीं, इस सच्ची आदत को कोई अपनाते नहीं है। भैन जी तुहाडे पैर च किधर लगा है, तुर सकदे हो, तुसी लेट सकदे हो, तुसी सुकून नाल बह सकदे हो, क्योंकि तुहाडे पैर च की लगा है, ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚ ਗਿਲ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਗਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਅਰੇ ਆਜ ਵੋ ਕੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਜ ਵੋ ਕਾਂਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇ ਆਪ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਆਜ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਕਾਂਟੇ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੇ ਕਾਂਟੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਆਪਕੋ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਆਪਕੋ ਪੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਔਰ ਯੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਆਪਕੀ ਨੀਂਦ, ਆਪਕਾ ਖਾਨਾ ਪੀਨਾ, ਆਪਕੇ ਘਰ ਕਾ ਸਕੂਨ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕਹਤੇ ਕੇ ਤੁਮ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮੇ, ਦੁਆ ਮੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੀ ਬਲਕਿ ਦੁਆ ਪਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਆ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਓ, ਕੀ ਕਰਾਓ, ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਰੇ ਉਨਕੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਉਨਕਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ, ਤਬਾਹ ਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਆਓ ਹਮ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਉਨਕਾ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੀ ਆਦਤ, ਬੁਰੀ ਆਦਤੋਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਆਜ ਵੀ ਬਦਨੋਂ ਮੇ, ਖਾਨਦਾਨੋਂ ਮੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਮੇ, ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਮੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਭਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੜਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਕੋ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੇ ਦਿਨ ਬੱਚੋ ਕੋ ਸਕੂਲ
स्कूल में भेज दिया, वो चाहे उसकी फीस ज्यादा हो चाहे कम हो, अपने बच्चों के लिए सुबह 5-6 बजे उठते हैं पीर से लेकर फ्राइडे सैटरडे तक, लेकिन इतवार का दिन कहते हैं चलो जी हम लेट ही आज सोइए है, एक ही दिन आया छुट्टी का, इतवार वाले दिन भी पहला 12 बजे तक लामलेट हो जाते, फिर उठ के आमलेट खाते बस जी, बच्चा भी लाया आप ही भी लगे। ये बुरी आदत नहीं है, अपने बच्चों को खुदा नहीं दिखा रहे, अपने बच्चों को खुदा का डर नहीं दिखा रहे। लिखे हैकल तो कलेगा तेरे वास्ते हो, हैकल तो कलेगा तेरे वास्ते हो मदद, तुम मदद नहीं चाहिए खुदा की, हर जिंदगी में उसकी मदद चाहिए है। हैकल च लोग होंगे नहीं, हैकल चो खुदा कले कितों मदद, हैकल च होंगे ही नहीं। कई भैन पे महीने के सारे हफ्ते के कपड़े जोड़ जोड़ के चलो जी आओ अज मशीन लाने, की लाने मशीन, खुदा का घर छड़ के कपड़िया की मैल पे कढ़ देने, आओ जी 6 दिन की मैल बदन दे चमड़ी है, अज चर्च जाके अज खुदा तो वह कढ़ा के आई है, तो जो वह मैल निकलेगी बीमारी ठहरेगी बदन च नहीं ठहरेगी। और कई क्या करते हैं, और खुदा ने काफत भेजी थी, कौन सी भेजी थी, जुआ की है, और जुआ मारते फिर देने, फिर 2 दिन बाद फिर जुआ आ जाती है। आओ वक्त को जाया ना करिए, आओ ए वक्त जाया करे, लांदी शैतान ने तुहानू केड़े आरे ला छड्या, केड़े ध्यान उन्हें ला छड्या कि बच्चा नू फड़ के कुड़िया ने मुंडे ने सिरां दे फड़ ओ जुमा कट कट के मारिए। ओ आओ तुहां जुमा बड़िया मार लिया ने, हुण तुहानू अपने अपने चर्चा नू इना बुक भर दिए, हुण खुदा तुहाडे अंदर दे गुनाह मारना शुरू कर छड्डे। हालेलुया हालेलुया, ये अच्छी आदत है खुदा के घर में आएंगे। हुण दसो जुमा दा मरना जरूरी है या गुनाहां दा, दसवां हिस्सा नहीं देना। और वेखो पठान जड़े ने उन्होंने लोगों की पूरी चेक बोकी अपने को रख ली, गैर कौम ने कब्जा किया हुआ गनीम ने, इस प्रश्न में लिखा है गनीम तेरी गर्दन पर लोहे का और जुबा रखेगा, और तू उसकी जबान भी नहीं तू जानता, और तू उसके हवाले किया जाएगा। आज हवाले लेकिन नहीं, परेशानी में गंदी अदात की वजह से, अरे उनके जब उन्होंने सुना कि खुदा 40 रोज के बाद बर्बाद और तबाह करने वाला है, तो लिखे कि उन्होंने रोजा रखा, रोजे की मुनादी शुरू की, और जब रोजा रखा तो फिर हम आगे जाते हैं, लिखे तीसरे बार में चौथी से और यूनान शहर में दाखिल हुआ, और एक दिन की रात में उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की, अपनी ओला सबने डांट ओढ़ा, और यह खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाह के लिबास को उतार डाला और डांट ओढ़ कर राह पर बैठ गया, और बादशाह उसके राखी ने दौलत के फरमान से नैनवा में यह ऐलान किया गया, और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या ईमान या गला या रमा कुछ ना चखे ना खाए पिए, लेकिन इंसान ईमान डांट से लपर सौर और खुदा के हजूर की रजामंदी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रोज अपने हाथ के जुलम से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा और अपने कहरे शरीर से बाज आए और हम हलाक ना हो। अब इन्होंने रोजा रखना शुरू किया है तो क्या खुदा का इरादा बदल गया है? सुने गौर से, खुदा का इरादा बदल गया है? खुदा का इरादा बदला है? रोजा रख रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं
खुदा तुम्हारा कारीगर मालिक है, लेकिन अभी उनके अंदर बुरी नफ्सें मौजूद है। आज भी लोग रोजा रखते हैं लेकिन अंदर बुरी नफ्सें मौजूद होती है। मेरे को एक मुंडा आया था, भाई साहब मेरे लिए पांच रोजे रखो। किन्ने रोजे रखो? मैं कहा कादे ले, अरे जड़ी कुड़ी मैं पसंद करना ना मेरी शादी हो जाए। तो मैं कहा मैनू कादे वक्त पिया भाई, रोजे तू जाके रख ले, तेरे अंदर कड़ा मनसूबा पे चल रहा, तू कड़े गुजरा च पिया है। अज इंज दे रोजे रखण दे, अज इंज दियां बातां मैं कर देना, आज ऐसी दुआएं कर रहे हैं। एक खुदा नु सारा कदम ना नहीं कर रहे हैं, खुदा ने आपके लिए कुछ और रखा हुआ है, आप कुछ और लेना चाहते हैं। खुदा ने थोड़े लिए फर्वी रखी है, चम चम रखे ने, रसगुल्ले रखे ने, ते तुसी जलेबियां नु भजन दे जिहड़ियां वलाणियां ने। कहां पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? पूरी आते उनकी रस्सियां भी ठीक ना थी, कहते शायद खुदा पर रहम करे अपने वादे को बदल दे। अब और से सुने दसवीं आयत, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, किसने देखी? पहला लोकी एक दिन वहां जाना अपनी हालत नहीं फेर नहीं, मैं अपने बच्चों को बचाने रोजा रखी नहीं है फेर नहीं, आज भी हाले रोजे बड़े रखन डैन है, मैं रोजा रखा तब्दीली अंदर कोई नहीं है, ख्यालात की तब्दीली नहीं है, सोचों की तब्दीली नहीं है, रातों रात की तब्दीली नहीं है। तो कितने लोग ऐसे फंसे, देखी लिखे जब खुदा ने उनकी हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवैये से, अपनी बुरी आदतों से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया, और खुदा ने उन पर यह अजाब नाजिल ना किया। आप सोने खुदा ने जोरदार ताली बजाई। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि उनकी बुरी नफ्सें बुरी आदतें अब नहीं है, तो फिर खुदा ने अपने इरादे को क्या कर दिया? बदल दिया। उनकी अच्छी आदतों ने खुदा के इरादे को क्या कर दिया? लेकिन बुरी आदतों की वजह से खुदा अपने कहरे शदीद में था, खुदा ने कहा मैं बर्बाद करूंगा, लेकिन उन्होंने जैसे सुना अच्छी आदतें बनाई और खुदा ने उन्हें रहम कर छोड़ा, खुदा ने उन्हें रहम कर छोड़ा। एक रूहानी बेटी सी, उसका मां प्यो काम पे गया तो अपने मां प्यो नु बाय बाय करने बाहर गेट ते आई, एक मुंडा सामने खड़ोता उन्हें वेख ही आया। ओ आंदी तू क्यों खलोता है? मैं मन के ना प्यार हो गया है। अच्छा जी, उन्हें क्या तू मेरे लिए की कर सा? उन्हें क्या जी मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सा। उन्हें क्या तू सुबह 5 बजे जाके 10 दिन दुआ कर चली दिले जे। किन्ने दिन? उस कुड़ी के अंदर कौन सी आदत थी? शाबाश। उस लड़की के अंदर कौन सी आती? अच्छी आती। उन्हें उन्होंने मशवरा कड़ा दिया, बुरा दिता कि अच्छा, ते जे बुरा मशवरा ना दे ना की उन्हें कहना सी बुरी आदत। उन्हें मां प्यो नु धोखा, भैन भरावां नु धोखा, उन्हें केड़े केड़े पॉइंट ने कहने नु आके इत्थे मिली, लेकिन उसने कहा जा 10 दिन तू खुदा दी रुचि जाके सुबह दुआ कर, ते फिर मेरे कोल आई। वो बड़ा चाह दे नाल गया, लै भैया हुण मेरी इहदे शादी हो जाणी। जदों सुबह दुआ इबादत करदा रहा 5वें 10 दिन, उस कुड़ी ने एक मुंडे नु कल्या जा नु कह तू आउण नहीं दिया। ओ बच्चे नु आंदा है जाके, ओ बच्चे नु आंदा है मुंडा जाके मेरी भैन नु जाके कह जेड़ा तू मैनू मशवरा दित्ता सी मैं उस काम तो शिफा पा रही है। खुदा अच्छी आदतों की वजह से अपने इरादे को, आइए सब अपने सरों को झुका अपनी आंखें बंद करें।
सब अपने सरों में झुका।